आईपीएल स्टार्ट होने में कुछ समय ही बाकी है, लेकिन उससे पहले एक खबर ने पूरी हंगामा मचा दिया। वो खबर है हार्दिक पांड्या के बारे में। जी हाँ, हार्दिक पांड्या अब फिट हो गए हैं। ये लोग कहने लगे हैं, जब उनको रणजी मैच खेलने के लिए कहा गया तब वो अपने आप को अनफिट कहने लगे। उन्होंने अपने पर्सनल डिसीजन दिए, पर्सनल रीजन के चलते वो बोले मैं रणजी मैच नहीं खेल सकता, लेकिन जब आईपीएल चालू होता और कोई इंटरनेशनल मैच की बारी आता है तब वो फिट हो जाते हैं। वो आईपीएल तो खेलना चाहते हैं, इंटरनेशनल मैच भी खेलना चाहते हैं, लेकिन रणजी जैसे छोटे मैच नहीं खेलना चाहते हैं। इसके पीछे आखिर रीजन क्या है? क्या हार्दिक पांड्या सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के लिए बने हैं? क्या और बाकी प्लेयरों को मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या बाकी प्लेयर रणजी मैच नहीं खेल के आते हैं? ये लोग कहने लगे हैं। हार्दिक पांड्या पे कई सारे एग्जाम भी लगाने लगे हैं। एक तरह से तो हार्दिक पांड्या से लोग उस समय से ही गुस्सा जब रोहित शर्मा से उनकी चलते कप्तानी से हटा गया। मुंबई इंडियंस को उससे कितना नुकसान हुआ ये तो आपने देख ही लिया होगा। मुंबई इंडियंस को सब्सक्राइबर तो घटे ही घटे, कितने हेट मिली मुंबई इंडियंस को। और साथ साथ ही रोहित शर्मा की वाइफ रितिका भाभी ने भी हार्दिक पांड्या पे कई सारे तरह से कमेंट किए थे, जिसके चलते वो भी कमेंट वायरल हुए थे, लेकिन रितिका भाभी वो मैसेज डिलीट करती थी। लेकिन अब हार्दिक पांड्या को अनफिट वाला मैसेज ये खूब चर्चे में है। क्यों हार्दिक पांड्या रणजी मैच नहीं खेलना चाहते हैं? क्यों हार्दिक पांड्या इंटरनेशनल और आईपीएल मैच खेलना चाहते हैं सिर्फ? ये हर कोई जानना चाहता है। तो हार्दिक पांड्या क्या इस पे कोई रिप्लाई देंगे? ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं तो अब आईपीएल चालू हो गया, तो आईपीएल में आप किसके साथ टीम के साथ हैं? हम तो शुरू से बचपन से ही सिर्फ एक ही टीम और कोई नहीं, चेन्नई इस बार भी आईपीएल की ट्रॉफी जीतेगी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं जीतेगी। मुझे चप्पल खोलकर मत मारना, मैं आपको फूल का माला फैलाऊंगा, पर जीतेगी जीतेगी जीतेगी, चेन्नई ही जीतेगी। जय हिंद।